गौरांग, नेस्ले के आज अर्निंग्स आने हैं, यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? अब दो तीन चीजें पॉजिटिव हैं अभी नेस्ले के साथ, एक तो नए प्रोडक्ट कैटेगरीज पर कंपनी काफी फोकस कर रही है और वापस भी जो मैगी का मार्केट शेयर है वो 50% से ज्यादा के लेवल्स पर पहुंच चुका है। स्टॉक ने भी अगर लेवल्स देखें तो 6200 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अर्निंग्स को लेकर क्या राय है आपकी और क्या व्यू है लेवल्स पर? सुधार डेफिनेटली उम्मीद है, और जिस तरीके से ये जो पूरा उलझा हुआ मामला मैगी नूडल्स को लेकर के सुलझा है, थोड़ा समय लगा इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नए नए वेरिएंट्स मैगी के आएंगे बाज़ार में अलग अलग रूप में, पोस्ट वॉट एवर इनोवेशंस और चेंजेस इनको करना था, तो खरीदारी की राय थी। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, मेरे ख्याल से मैं मीर से ही बात कर रहा था जब ये पूरा वाद विवाद का मामला उठा था, तब भी खरीदारी की राय बरकरार थी हमारी और अब भी है लंबी अवधि के नज़रिए से। खाली एक ही है, पतंजलि को लेकर के थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा ऊपर के तरफ जा सकती है, लेकिन बड़ा मार्केट है और सबको कोएग्जिस्ट करने की भी संभावना है। बिल्कुल राकेश, इंडिकेटिव टिक्स आपने देख लिए होंगे, कोई स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल मेहर, मेरे को लगता है एक तो ऑयल स्पेस में ऑयल इंडिया को बाय करके चलना चाहिए, एक डिफेंसिव बैट इस मार्केट में साबित हो सकता है 331.5 के स्टॉप लॉस के साथ 345 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक एक्साइड पे नज़र रखनी चाहिए, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 204.50 के स्टॉप लॉस के साथ 222 के लक्ष्य के लिए यहाँ बाइंग करनी चाहिए। और एक माइक्रो फाइनेंस के अंदर मिहिर भारत फाइनेंशियल काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, 800 रुपये के ऊपर एक सेटल हो रहा है, 800 को बेस बना रहा है, 798 के स्टॉप लॉस के साथ 900 के लक्ष्य के लिए मुझे लगता है भारत फाइनेंशियल को बाय करके चलना चाहिए। एंड मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएलएफ पे नजर रखनी चाहिए, जैसा दीपाली ने पॉइंट आउट करा कि जो रेंटल आर्म को ये पोस्टपोन कर रहे हैं, जो इसमें जो सेल होनी है, इसी के चलते रैली ट्रिगर हो रही थी, और इस खबर के चलते अगर ये स्टॉक नीचे में 143 के नीचे निकलता है तब काफी बड़ा क्रैक टुवर्ड्स 130 शायद देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। कुछ स्टॉक्स जो कि विद वॉल्यूम चल रहे हैं भी इंडिकेटिव एक्शन में, उसमें आप देखिए विवमेड लैब्स, जिसका हमने जिक्र किया था अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आए हैं जिसके बाद एक अच्छा उछाल 12% ऊपर 109 के लेवल्स पर। सीएनसी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी लगातार बाइंग हमने देखी है, 10% ऊपर 23 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक आप देखिए मवाना शुगर्स को, कल मार्केट क्लोजिंग से ठीक थोड़ा समय पहले इसके नतीजे आए थे जहां पर एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हुआ है, कल भी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ बंद हुआ था और आज भी 7.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। विद वॉल्यूम्स इस शेयर में अच्छी बाइंग देखी गई। एक आशियाना हाउसिंग, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट बाइंग हमने पिछले कुछ सेशंस में देखी है और आज भी 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सुमित, स्पेशली मवाना शुगर्स और सीएनसी कंस्ट्रक्शन, इन दोनों पर क्या राय है आपकी? देखिए शुगर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल रहा है, और पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि स्टॉक्स वन वे तेजी दिखाते हैं, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, फिर वापस तेजी स्टार्ट करते हैं। अभी ऐसा लगता है कि मवाना के अंदर वापस एक तेजी का माहौल स्टार्ट हो रहा है, और इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो इसने 2016 के जो हाइज है वो भी ब्रेक करते हुए हमको देखने को मिले हैं। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेगी, और हो सकता है शायद ऊपर में हमको 85 से 90 तक के लेवल्स देखने को मिले। प्रेजेंट लेवल से अगर बाई चांस कोई छोटी सी गिरावट मिलती है 2-4 रुपए की, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल पे ही बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, 10 से 15 रुपए का मूव तो इमीडिएटली आप माने कि ये 2-4 दिनों में ही हमको दिखा सकता है। इस बीच जो कुछ और स्टॉक्स जिस पर अच्छा मूव है, इसमें देखिए वीवीमेड लैब्स है, ये करीब 12% ऊपर, रैम की इंफ्रा है, ये करीब 8.5% ऊपर, आजन इरिगेशन के DVR पर मूव देखने को मिल सकता है, वोल्टास करीब 3.25% ऊपर इंडिकेटिव टेक्स में। वोल्टास पर क्या व्यू है राकेश आपका? मेरे पॉजिटिव व्यू है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी स्टॉक का पॉजिटिव है, इनफैक्ट स्टॉक ने कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है, 342 कल की क्लोजिंग है, 339 स्टॉप लॉस है, 339 और ऊपर में स्टॉक 350 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। मार्केट्स खुलने वाले हैं और इंडिकेटिव एक्शन में इंडेक्स अभी 13 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8778 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी करीब 70 पॉइंट्स की वीकनेस हम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स इंडिकेटिव एक्शन में वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन छोटे मझोले शेयर्स काफ़ी सारे हैं जहां पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट आज भी दिख सकता है, जैसे अभी हमने मेंशन भी किया मवाना शुगर, सीएनसी कंस्ट्रक्शन, विवमेड लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि शुरुआती स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और ये सभी शेयर्स विद वॉल्यूम चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो आज के लिए कुछ हेडविंड्स तो हैं जिस पर नजर रहेगी, लेकिन हाँ 13 पॉइंट नीचे निफ्टी 8778 पर,
और नुकसान जहां पर है उन स्टॉक्स पे जैसे गौरांग इनफैक्ट कह भी रहे थे कि टाटा मोटर्स में देखना होगा कि इंट्राडे बेसिस पर क्या कोई बाइंग इमर्ज होती है। हालांकि सोरॉस की तरफ से जो खरीदारी हुई है सोरॉस फंड की तरफ से दैट्स एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ज़रूरी नहीं है मार्केट उससे क्यों ले। 7% नीचे टाटा मोटर्स खुला और निफ्टी 8 पॉइंट नीचे 8786 का लेवल है। लेकिन लेट्स टेक अ लुक एट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 6.25% नीचे इस समय देखने को मिल रहा है और DVR भी ऑलमोस्ट 6% नीचे 279 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कॉन्स्टेंटली दूसरे दिन टाटा मोटर्स हैमर होते हुए यहाँ पर, तो बाकी लूजर्स हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR 6-7% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और एक काउंटर है इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इस पर करीब 9% का फॉल है। कल राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 32 लाख शेयर्स बेचे, उसके बाद ये काउंटर इस समय 9% नीचे 109 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार DLF को देख लेते हैं। DLF पर भी जो इंडिकेटिव टिक्स थे वो नेगेटिव ही थे और अभी भी जो संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो नेगेटिव, करीब 4% नीचे DLF का काउंटर 141 के आसपास। लेकिन टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 6.5% नीचे 450 इस समय यहाँ पर लेवल है और टाटा मोटर्स पर, और ये बार बार टेस्ट हो रहा है 450 के नीचे इस समय टाटा मोटर्स का ऑर्डिनरी स्टॉक। और जो DVR है वो करीब 6.25% नीचे 279 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कुछ एक गेनर्स को। निफ्टी 14 पॉइंट ऊपर 8800 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें गेनर्स में देखिए ITC है, अदानी है, टेक महिंद्रा है, ग्रासिम है, इन काउंटर्स पर अच्छी मजबूती है। इन्फोसिस करीब 1% ऊपर है, L&T, ग्रासिम, TCS, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर हरा निशान देखने को मिल रहा है। मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप में इस समय रुझान थोड़ा सा हरे निशान वाला है, लेकिन मजबूती कुछ एक स्टॉक्स पर अच्छी है, जैसे वोल्टास पर हमने देखा रुझान ठीक देखने को मिल रहा था। अदानी एंटरप्राइज है, नेटको फार्मा है, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती अच्छी है। साथ ही BEL इस काउंटर पर करीब 1% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत मार्केट के फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस के साथ हुई है, लेकिन मिड कैप के लूजर्स देख लेते हैं। HDIL आज F&O बैंड से भी बाहर हुआ है और नतीजे भी काफी खराब आए हैं। EBITDA फ्रंट पर स्टॉक 3.5% नीचे 66 के लेवल्स पर है। DLF में 3.5% की वीकनेस देखी जा रही। रिलायंस इंफ्रा कल डे हाई पर बंद हुआ था 4.5% के गेंस के साथ, आज 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। PNG के स्टॉक में भी 1% की वीकनेस अभी देखी जा रही है। तो ये कुछ मिड कैप लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। साथ ही टॉरेंट फार्मा, कंटेनर कॉर्प और CESE में भी वीकनेस आज के सेशन में देखी जा रही है। एक बार NSE के परसेंटेज गेनर्स देख लेते हैं, जहां पर मूव अच्छा है शुरुआती सेशन में। उसमें सुप्रजीत इंजीनियरिंग नंबर्स आए थे, कल नंबर स्ट्रांग रहते इस कंपनी के, 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मॉयल में 3% का मूव है। सीक्वेंट साइंटिफिक इस स्टॉक में भी 3% की बढ़त अभी देखी जा रही है। साथ ही सुप्रजीत इंजीनियरिंग का स्टॉक जहां पर 4% से ज़्यादा का मूव अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूनिटेक कॉन्स्टेंट यहां पर पिछले 2 दिनों में हमने वीकनेस देखी, आज पुल बैक दिखा रहा है। GMT ऑटो में 2.5% का मूव है। इंडोको रेमेडीज भी करीब 2.5% की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे अच्छे आए हैं, इसीलिए स्टॉक बढ़कर ट्रेड कर रहा है करीब 2% ऊपर। थॉमस कुक घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और इसीलिए शेयर में 2% की बढ़त अभी हम देख रहे हैं। कॉक्स एंड किंग के नंबर्स भी ठीक आए हैं और स्टॉक की जो शुरुआत है वो भी पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। लेकिन एक बार देख लेते हैं स्पाइस जेट को भी, जहां पर नंबर्स जो है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद आए थे और नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं और स्टॉक करीब 1.25% नीचे 6350 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। CLSA ने काफी लंबे समय से 35 के टारगेट्स मेंटेन किए हुए हैं स्पाइस जेट पर। बिल्कुल। सो मार्केट का जो स्प्लिट है इस समय वो अभी भी थोड़ा इवनली प्लेस्ड है। 572 स्टॉक्स हैं जो कि NSE पर बढ़त के साथ चल रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 473 के आसपास है। BSE पर भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं दे आर अबाउट 524, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 425 के आसपास। कमिंग बैक टू टाटा मोटर्स, यहाँ पर प्रेशर एटलीस्ट इस समय तो बना हुआ है टाटा मोटर्स के काउंटर पर। एंड 450 के लेवल के नीचे इस समय 446 पर टाटा मोटर्स इंट्राडे लो पर। एंड DVR भी करीब 7.5% नीचे 275 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला। तो आज की ओपनिंग पर क्या कहेंगे आप गौरांग? वेल, ओपनिंग फिर से हम 8,800 के आसपास, और कोशिश ये होगी कि हम 8,820 8,830 को पार करें। लेकिन मेरा एक मानना है पिछले हफ्ते दो हफ्ते से कि ये दायरा नीचे की तरफ 8,725 8,750 ये नीचे का रेंज है,
और ऊपर के तरफ के दायरे 8,800-8,830 कंसोलिडेट होगा। अगले हफ्ते FNO एक्सपायरी है, नतीजों का सिलसिला धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है और ट्रिगर्स के रूप में ऐसे कोई कारण नज़दीकी समय में नज़र नहीं आते कि आपको एक ब्रेकआउट मिले। जी राकेश, इंडेक्स की ओपनिंग आपको कैसे लगी? अभी तो 8800 के ऊपर वापस निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लेवल्स तो हम पिछले कई सेशन से देख रहे हैं, अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी वही मेंटेन रखेंगे आप? बिल्कुल दिवाली वही मेंटेन रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी ये जो साइडवेज है, ये कंसोलिडेशन है, बार बार मौका दे रहा है बाइंग करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकली मुझे लगता है अब 8700 एक बेस बन रहा है और निफ्टी 8954 की तरफ जा रहा है, इन करेक्शंस को मुझे लगता है यूज करना चाहिए बाइंग करने के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम है, दोनों ही शेयर्स 1.5 से 2% के गेंस दिखा रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पर जैसे अभी मेंशन भी किया, अर्निंग्स का भी ट्रिगर है और दिन के ऊपरी स्तर हैं, दोनों ही डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है। सुमित, क्या राय है आपके दोनों ही शेयर्स पर नई पोजीशंस के लिहाज से भी और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्डर्स के लिए भी, क्या सलाह होगी? अदानी एंटरप्राइज के अंदर दीपाली होल्ड करना चाहिए, 89 का स्टॉप लॉस रखे, 89.90 का स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में स्टॉक में इमीडिएटली हमको 98 से 100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक अदानी एंटरप्राइज के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड रखे और फ्रेश पोजीशन अगर अभी किसी को लेनी है तो 90 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल ली जा सकती है फॉर अ इमीडिएट अपसाइड टिल 98 और 100 लेवल्स। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट के अंदर भी 300 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, इमीडिएटली स्टॉक के अंदर पिछले 2 से 3 दिनों का हाई 315 लेवल के आसपास है, जैसे ही वो लेवल्स एक बार ब्रेक होंगे तो यहाँ से और अप मूव देखने को मिलेगा जिसके अंदर 330 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो 304 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, फ्रेश बाय के लिए भी यही स्टॉप लॉस होना चाहिए, 315 टूटने के बाद फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगा।